तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे Realme GT 2 Pro के बारे में। तो गाइज Realme GT बजट स्मार्टफोन सीरीज है और फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशंस के साथ मिड बजट प्राइस सेगमेंट में आते हैं। Realme GT सीरीज इसी साल से हमें देखने को मिली है और अब जल्द ही इस सीरीज के अंडर एक और नया डिवाइस GT 2 Pro हमें देखने को मिलेगा। ये Realme का फ्लैगशिप डिवाइस होगा और स्नैपड्रैगन 898 SoC के अलावा कई सारे खास फीचर्स के साथ ही आएगा। इसके काफी सारे लीक्स देखने को मिल रहे हैं और इन्हीं के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही लॉन्च के बारे में भी आज इस वीडियो में हम बात करेंगे और एक्सपेक्टेड प्राइस और प्राइस लीक्स के बारे में भी आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाने के बाद इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। पहले बात करें इसके स्पेसिफिकेशन से, तो इसमें हमें 6.51 इंचेस का एक फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले पैनल, 120Hz रिफ्रेश रेट, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो, 404 PPI पिक्सल डेंसिटी और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन के साथ देखने को मिल सकता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 898 SoC के साथ ही आएगा और LPDDR5 RAM के साथ UFS 3.1 इंटरनल स्टोरेज इसमें हमें देखने को मिलेगी। हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट के साथ ही आ सकता है। कैमरा सेक्शन की बात करें तो इसके बैक पैनल में ट्रिपल या फिर क्वाड रियर कैमरा सेटअप होगा जिसमें प्राइमरी सेंसर 50 MP का देखने को मिलेगा और OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के साथ ही आएगा। इसके अलावा एक 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस हमें इसमें देखने को मिलेगा और 5 MP डेप्थ और मैक्रो सेंसर्स इसमें हो सकते हैं। फ्रंट में 32 MP का सेल्फी कैमरा हमें इसके लेफ्ट साइड पंच होल कटआउट में देखने को मिलेगा। पावर बैकअप के लिए ये 5000 mAh बैटरी और 125W अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा। पहले लीक से पता चला था कि इसमें 65W चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल सकता है लेकिन अब 125W चार्जिंग सपोर्ट लीक्स देखने को मिल रहे हैं। एंड्रॉइड 11 बेस्ड Realme UI 3.0 पर ही रन करेगा और Wi-Fi 6 ब्लूटूथ वर्जन 5.2 के साथ ही आएगा। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फ्रंट फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा। बात करें इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस और लॉन्च की, तो पहले तो क्वालकॉम पहले अपने स्नैपड्रैगन 898 SoC को दिसंबर में लॉन्च करेगी, तो मतलब उसके बाद ही ये लॉन्च होगा, यानी कि इस साल तो नहीं लेकिन अगले साल फर्स्ट क्वार्टर में हमें ये देखने को मिल सकता है। इंडिया में इसी नाम से ये लॉन्च हो सकता है और बेस 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरियंट हमें इसका 45-50,000 रुपीज के आसपास देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कब ये ऑफिशियली अनाउंस होता है और क्या प्राइस टैग के साथ ही आता है। हालांकि अभी कंपनी की तरफ से इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिली है। जैसे ही इसके बारे में कुछ और नए अपडेट्स देखने को मिलेंगे तो आपको हमारे चैनल पर उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाने के बाद इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।